बंगाल की निर्भया को इंसाफ कब? यह सवाल पूरा देश आज पूछ रहा है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है। दोपहर 1 बजे तक हाईकोर्ट में मांगी गई केस डायरी, प्रिंसिपल के इस्तीफे की भी कॉपी कोर्ट ने मांगी है। कोर्ट ने नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र मांगा है। ये बड़ी जानकारी पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है। तो कोलकाता में रेप और मर्डर का केस, जिसमें बड़ी अपडेट आपको बता दें, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट की तरफ से केस डायरी तलब की गई है। तो दोपहर 1 बजे तक हाईकोर्ट की तरफ से केस डायरी मांगी गई है। प्रिंसिपल के इस्तीफे की भी कॉपी कोर्ट ने मांगी है। तो कोर्ट ने नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र भी मांगा है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कोलकाता में रेप और मर्डर कांड से जुड़ी हुई। तो वहीं देखिए, दूसरी तरफ पूरे देश में इसको लेकर उबाल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार पूरे देश से सामने निकल कर आ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार दूसरे दिन आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि ये तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है, जिसमें तलब की गई है केस डायरी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पूरा देश बंगाल की निर्भया के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है, दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग भी की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दिल दहला देने वाली ये विभत्स घटना, जिसको लेकर आज दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। 23 अगस्त तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन पूरा देश यही सवाल कर रहा है कि बंगाल की निर्भया को आखिर इंसाफ कब? अलग अलग राज्यों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर बंगाल की निर्भया को इंसाफ कब, जिसमें अपडेट सामने निकल कर आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी हुई अपडेट आपको बता दें, पीड़िता के साथ खाना खाने वाले जूनियर डॉक्टर्स को तलब किया गया है। जूनियर डॉक्टर्स को पुलिस ने दोबारा तलब किया। मामले में कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। HOD अस्पताल के कर्मचारियों को भी तलब किया गया है। तो ग्रुप डी स्टाफ सुरक्षा सदस्यों को भी तलब किया गया है। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है पूरे मामले से जुड़ी हुई। कल भी हमने देखा पुलिस की तरफ से डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को बुलाया गया था RG Kar मेडिकल कॉलेज के, जिनसे कल भी पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर से इन्हें तलब किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो लगातार प्रशासन का एक्शन भी पूरे मामले में जारी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो लोग उस वक्त जूनियर डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर के साथ मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इसी को लेकर देखिए, एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स को तलब किया गया है। कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, ये पूरा मामला SIT हैंडल कर रही है फिलहाल। लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना है कि अगर 18 अगस्त तक ये मामला सॉल्व नहीं किया जाता है तो CBI जांच की जाएगी पूरे मामले पे। कोलकाता रेप कांड को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज भी देशव्यापी हड़ताल है। दिल्ली में हड़ताल पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, एम्स में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है। भोपाल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा की है। महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल है। तो कई अस्पतालों में आज भी बंद रहेंगी OPD सेवाएं। ऐसे में मरीजों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते हुए, मांग करते हुए ये रेजिडेंट डॉक्टर्स कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको बता दें, आज एक बार फिर से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो तमाम राज्यों के डॉक्टर्स ने इसका समर्थन किया है। रेजिडेंट डॉक्टर सुरक्षा की मांग करते हुए, इंसाफ की मांग करते हुए लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शनरत हैं। कोलकाता की विभत्स घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, जिसको लेकर यह प्रदर्शन जारी है।
वहीं कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कुछ तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर जगह जगह डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरफ से अलग अलग जगहों से, राज्यों से, हॉस्पिटल से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। लगातार इंसाफ की गुहार लगाते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। वहीं आईएमए की तरफ से भी स्वास्थ्य मंत्री को इस घटना से संबंधित एक्शन लेने की मांग की गई है, सुरक्षा को लेकर मांग की गई है। तो पूरे देश में इस विभत्स घटना के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये छह अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से पूरे देश में इस घटना के बाद उबाल देखने को मिल रहा है, डॉक्टर्स का प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो कहीं सड़कों पर तख्तियां लेकर बैठे हुए ये डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश, और इसी से जुड़ी हुई ये छह तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से पूरे देश में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी मांग करते हुए ये डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अस्पताल में क्या खुला है, क्या बंद है डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद, ये भी जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। जहां पर ओपीडी सेवाएं चालू हैं और ओपीडी सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड ड्यूटी, लैब, ये सब सेवाएं बंद है। सेवाएं कौन सी चालू है, देखिए इमरजेंसी और ऑपरेशन सेवाएं चालू हैं। क्या खुला है, क्या बंद है, ग्राफिक्स के जरिए देखिए। ओपीडी यहां पर बंद की गई है, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड ड्यूटी और लैब सेवाएं बंद हैं और इमरजेंसी और ऑपरेशन से संबंधित सेवाएं चालू हैं। तो डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद कौन सी सेवाएं चल रही हैं और कौन सी सेवाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है, बंद किया गया है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है, रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो वही देखिए डॉक्टर्स की आठ बड़ी मांगे क्या है, ये भी चल रही है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। जहां पर पहली मांग है लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर की सीबीआई जांच की जाए। दूसरी मांग है अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, ये मांग यहां पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए ये आठ बड़ी मांगे हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लगातार इस तरह के स्वर उठ रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, इस तरह की मांग डॉक्टर्स की तरफ से उठाई जा रही है और इस पर जल्द एक्शन लेने की बात की जा रही है। डॉक्टर्स के लिए CHPA कानून बने, ये मांग करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, देश की सड़कों पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि CHPA कानून बनाया जाए उनकी सुरक्षा के लिए, जो बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स की आठ बड़ी मांगे ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। आप देखिए केंद्र सरकार इसका लिखित आश्वासन दे, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, लिखित आश्वासन दे केंद्र सरकार। इस तरह की मांग जो है डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आठ बड़ी मांगे यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। पीड़िता के नाम संस्थान में भवन लाइब्रेरी बने, ये मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त उठा रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में इस घटना को अंजाम दिया गया वहां पर पीड़िता के नाम में से एक लाइब्रेरी बनाई जाए। अब देखिए लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर की सीबीआई जांच हो, ये बड़ी मांग लगातार उठ रही है। पूरे देश के कोने कोने से डॉक्टर्स भी इस तरह की आठ बड़ी मांगे उठा रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार जो है हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये आठ बड़ी मांगे डॉक्टर्स की इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में सामने निकल कर आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले इस तरह की मांग करते हुए डॉक्टर्स, CHPA कानून बने डॉक्टर्स के लिए, सुरक्षा से संबंधित ये कानून, केंद्र सरकार इसका लिखित आश्वासन दे, इस तरह की मांग की जा रही है।
तो वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हड़ताल के बाद पहुंचे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ है तीमारदारों का कहना, चलिए आपको सुनवाते हैं। कुछ बताया गया नहीं है, अंदर में सिक्योरिटी को पूछे हैं, गार्ड को पूछे हैं, वो बोले कुछ सही बता नहीं सक रहे, देंगे या नहीं देंगे, स्थिर भाव में कोई बता नहीं सक रहा क्या होगा नहीं। अभी दो घंटे से खड़े हुए हैं, सब आदमी खड़ा हुआ है, ब्लड टेस्ट करिए, कुछ मालूम नहीं है, कोई बता नहीं रह सक रहा सही से। घटना यहाँ हुआ है, उन लोग का स्टाफ लोग घटना किया है, पब्लिक को प्रॉब्लम कर रहा है। कोई खुला कि नहीं खुला हम लोग मालूम नहीं है, हम ऐसे ही खड़ा है 2 घंटा। नहीं डॉक्टर कोई वो नहीं बोला, जाए कि नहीं आएगा हम लोग मालूम नहीं है। तो वहीं बंगाल की निर्भया को इंसाफ देने के लिए धरती के भगवान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स का क्या कहना है सुनिए आप। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, वहां पे हमारी एक रेसिडेंट निवासी डॉक्टर के साथ ही बहुत गलत चीज हुई है। अगर हम हमारे घर में ही सेफ नहीं है, जितना डॉक्टर घर पे नहीं रहता है उससे ज्यादा तो वो हॉस्पिटल में रहता है, ये हमारे लिए सेकंड होम है। अगर हम यहाँ पे ही सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ है? तो हम सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे, हम बस हमारी सेफ्टी मांग रहे हैं। दिन रात जब हम पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, सरकार हमें उसी के लिए रख रहा है, बट हमारी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हमारे घर वाले सरकार के भरोसे हमें यहाँ भेजते हैं, और अगर हम ही सेफ नहीं है तो फिर हम आगे हमारा काम कैसे करेंगे? स्ट्राइक का आह्वान किया है सेंट्रल मार्ट तथा बाकी सभी राज्यों से, यह स्ट्राइक जारी की गई है। जब तक पश्चिम बंगाल की वह पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक हम हमारी स्ट्राइक शुरू रखेंगे। ये जो हत्याकांड है, ये निर्भया के बाद का आपने बहुत बड़ा हत्याकांड है, मतलब ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो इस घटना के साथ में हमारे नेशनल जो जो हमारा संगठन है उन्होंने पैन इंडिया स्ट्राइक का नोटिस निकाला था। उस स्ट्राइक में हम सारे बाकी स्टेट्स के लोग, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल और कश्मीर, ऐसे हर स्टेट से लोग वहां पे हर जगह पे अपना आंदोलन पे बैठे हुए। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में आक्रोशित डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर्स पटना एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बयान असभ्य बयान उसने किया है, उनको क्या हुआ? ट्रांसफर किया, ट्रांसफर की मांग नहीं है, उनकी टर्मिनेशन की मांग है। और जिसको क्रिमिनल को पकड़े है उसको हमें चाहिए कि उसे डेथ सेंटेंस मिले, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हम चाहते हैं कि लागू हो। और हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ओपीडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दें कि इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाएं हैं, ओपीडी इलेक्टिव चीज़ें हैं, आप आज नहीं तो कल दिखा सकते हैं। इमरजेंसी हमने बंद नहीं किया ना कभी करेंगे, तो ये जस्टिस हमें चाहिए, इसलिए हमने ओपीडी सिर्फ बंद किया, नहीं तो हमारी बातें कौन सुनेगा। आज 13 अगस्त हो गया, ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। एज ए नोबल प्रोफेशनलिस्ट हम अपने ड्यूटी पे होते सर, और अभी भी हम 24 आवर अपना ड्यूटी करके यहाँ खड़े हैं। एट वर्क प्लेस हमें अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी देन हाउ कैन वी वर्क, हम नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त इस पूरी घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे रुख करते हैं। वी नीड टू इम्प्रूव एवरीवेयर बिकॉज़ ये सिचुएशन। यस मैडम, ये जो प्रिंसिपल था उसको चेंज किया गया। प्रिंसिपल पहले कहा था कि ये जो मृतक वो मानसिक तौर से ठीक नहीं है, और आज हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है वो उसमें हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को फटकार लगाया, और प्रिंसिपल की स्टेटस है उसके बारे में रिपोर्ट मांगे है। तो प्रिंसिपल होकर एट द अर्ली स्टेज उन्होंने ऐसा कहा था, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, अगर प्रिंसिपल की तरफ से ही ऐसे स्टेटमेंट आता है तो इट्स रियली शोज दैट ही इज सो इनसेंसिटिव अबाउट दिस मैटर। नो, वी वोंट अलाउ दिस टू हैपन, वी वोंट अलाउ दिस टू हैपन। एक्चुअली वी हैव इंस्ट्रक्टेड द पुलिस, वी हैव इनफैक्ट रिक्वेस्ट द पुलिस ऑल्सो टू बी very very sensitive because this is an inhuman act। ये हमें एक example set करना चाहिए कि दूसरी बार हमारे city में ही नहीं हमारे देश में ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इतना तो हमने पुलिस को भी request किया है कि जल्द से जल्द और strict to strict action लेना है। और पुलिस तो देखिए, महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि हमने पुलिस से बातचीत की है कि इस पूरी घटना पर स्ट्रिक्ट एक्शन जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन
पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पीड़िता के सामने निकल कर आई है। क्या क्या निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको बता दे, देखिए दोनों आंखों से पीड़िता के खून निकला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है जिसकी वजह से जो है जो पीड़िता की आंखें जो है वो पूरी तरह से खून से लथपथ नजर आई थी, मुंह से भी खून निकला था। आपको बता दें कि जो पीड़िता है उसके चश्मे का शीशा आंखों पर चला गया था, मुंह से भी पीड़िता के खून निकला था। इस तरह की जानकारी पोस्टमार्टम से सामने निकल कर आई है। चेहरे नाखून पर चोट के निशान जो है पाए गए हैं पीड़िता से, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तमाम खुलासा से हुए हैं। साथ ही देखिए प्राइवेट पार्ट पर चोट लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा सामने निकल कर आया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए बाएं पैर में चोट के निशान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें सामने निकल कर आई हैं कि पीड़िता के बाएं पैर में चोट के निशान पाए गए हैं जिसकी लगातार जांच भी जारी है। वहीं देखिए पेट पर भी चोट के निशान है, इस तरह की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकल कर आ रही है। तो ये तमाम जानकारियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने निकल कर आई है। सोमवार यानी कि कल के दिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। गला घोट कर की गई है हत्या, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, इस बात की जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पीड़िता की गला घोट कर यहाँ पर हत्या कर दी गई है। अब देखिए रेप के बाद दो बार घोटा गया गला, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही है। ये तमाम जानकारियां सामने निकल कर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। अब देखिए पुलिस के सामने आरोपी की गीदर भपकी, जिसमें हाँ मैंने अपराध किया है मुझे फांसी दे दो, इस तरह की बात जो है आरोपी कहता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कानून का किसी तरह का डर नहीं है और अपनी गलती पे अपने गुनाह पर इस शख्स को पछतावा नहीं है। अब देखिए लंबे समय से मारपीट करने की आदत इस शख्स की है, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। जब पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, जो लोग इसे जानते हैं उससे पूछताछ की गई, तो ये तमाम बातें सामने निकल कर आई। अब देखिए अपनी माँ बहन पत्नी पर भी हमले की बात इस शख्स ने कबूल की है, हाँ मैंने अपराध किया है मुझे फांसी दे दो, इस तरह की बातें इस शख्स की तरफ से की गई है। 8 अगस्त को आरोपी संजय रॉय सलवा के कोलकाता लौटा, कोलकाता से सलवा से, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तमाम पूरा टाइमलाइन क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अब देखिए दलाल बनकर एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने ये शख्स गया हुआ था। तो कोलकाता रेप और मर्डर कांड की पूरी टाइमलाइन ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजय रॉय मरीज का एक्सरे कराने परिजनों के साथ वापस अस्पताल पहुंचा 8 अगस्त को रात 11 बजे का यह पूरा घटनाक्रम। तो एक्सरे कराने वापस अस्पताल लौटा वो, और 9 अगस्त को देखिए रात 1 बजे संजय एक अन्य मरीज की सहायता के लिए उसी बिल्डिंग में वापस लौटा जिसका ऑपरेशन होना था। तो उसी बिल्डिंग में एक बार फिर से संजय रॉय जो है वो वापस लौटा। ये शख्स जिसका नाम संजय रॉय है, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया और घटना करने के बाद कह रहा है कि मैंने ऐसा किया है मुझे फांसी दो। संजय चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर गया 9 अगस्त को रात 3 बजे के बाद, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड की पूरी टाइमलाइन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कुछ ही मिनटों में इस तरह की वारदात को उसने अंजाम दिया, कथित तौर पर डॉक्टर के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी गई रात 3 बजे के बाद 9 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में संजय बाहर निकलते हुए नजर आया है, तो सुबह 4:37 पर संजय बाहर निकला था। संजय अपने बाइक लेकर घर जाकर सो गया, तो डॉक्टर महिला की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। तो पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर उबाल देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और भारत एक्सप्रेस यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार बंगाल की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।